नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि दिमाग की नसों का ड्राई हो जाना, इसमें बनती है ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज होने के बाद क्या होता है, नसें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और फिर ड्राई होना शुरू हो जाती है। मैं इसमें आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे कि नसों में खिंचाव बनना, आपकी ब्रेन की नसों में खिंचाव बनना, और ये पेन पूरा गर्दन तक आ जाता है पीछे, और कानों के साइड आपका पेन आ जाएगा, आपका सर में पूरा पेन रहेगा, और ये दर्द जो है आंखों में भी उतर आता है। और ये सिम्टम्स जो होते हैं बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपको जो परेशानी, जो ब्लॉकेज की है, जो बनी हुई है आपको हो रही है, जो खिंचाव हो रही है, इसमें क्या होता है, नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और दिमाग इसमें कमज़ोर होता चला जाता है। और इसमें सिम्टम्स बढ़ते हैं, जैसे कि चक्कर आना, रात्रि में झटका लगना, दौरा भी पड़ सकता है और चक्कर आना। और इसमें एक सिम्टम्स आता है पैरों में चला जाना, साथ में ये साथ में ही चलते हैं सब सिम्टम्स। और ये प्रॉब्लम्स जो होती है बढ़ती चली जाती है, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और ब्रेन भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और ये नसें जो ड्राई होती हैं, जब नसें ड्राई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, तो ये एक तरीके से जीवित नहीं होती और ये ब्लॉकेज इतनी हैवी ब्लॉकेज हो जाती है कि ब्लड जो है नसों में पास नहीं होता है और ये सिम्टम्स जो हैं बढ़ते रहते हैं। और कुछ लोग इसमें जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो इसमें बोल देते हैं कि ऑपरेशन करा लो ब्लॉकेज में। तो ब्लॉकेज में ऑपरेशन कभी नहीं होता, सबसे पहली बात, क्योंकि जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है वो ही ऑपरेशन के लिए 100 बार सोचते हैं। और मेरे पास केस आते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि ब्लॉकेज थी और ऑपरेशन कर दिया और इसमें बचने के कोई भी चांस नहीं होते। आपको कभी भी अगर ब्लॉकेज आती है, आप सर्जरी ना कराएं, ऑपरेशन आपको नहीं कराना है, इस पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है बहुत खतरे में होती है अगर आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो। और रही इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं ब्लॉकेज के और दिमाग की कमजोरी के, नसें ड्राई हो गई हैं, एक तरीके से ये नसें जो होती हैं जीवित नहीं होती, क्योंकि सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ब्लड पास नहीं होता। तो इसमें दवाई आप जो न्यूरोलॉजिस्ट से ले रहे हैं वो इसमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। बहुत लोग इसमें कंटिन्यू 1 साल 2 साल 4 साल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप दवाई का सेवन क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और सही ट्रीटमेंट इसमें मिलता नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक में नसों की ब्लॉकेज का कोई भी इलाज नहीं है और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये बढ़ते जाते हैं। किन्हीं को इसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, लो होना, क्योंकि
ब्लड प्रेशर इसमें लो होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ये कम चांस होते हैं इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो जो इसमें आप मेडिसिन ले रहे हैं ज़्यादा नहीं लेनी है, कोई आपको हैवी डोज नहीं लेनी है, क्योंकि सर में पेन होता है तो दर्द निवारक दवाई इसमें ज़्यादा ना लें, इससे आप बचें। और इसमें परहेज मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, चावल खटाई बिल्कुल बंद कर दें, वसा की कोई भी चीज़, अंडा नॉनवेज बिल्कुल इसमें आपको निषेध है, आपके लिए लेना ही नहीं है, इससे आपको बचना है। और जो इसमें सिम्टम्स जो आए हैं इसके लिए मैं आपको खान पीन में थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे कि आप इसमें ग्रीन सब्जी का सेवन ज़्यादा करें, देसी घी ना खाएं, इससे आप बचें, गाय का घी आप खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, येलो कलर का, और मॉर्निंग में आपको ग्रीन पेस्ट जरूर पीना चाहिए 8-10 सब्जियों की पत्तियों का, और उसमें आपको डालना कुछ नहीं है, एक कप आप एक काढ़ा बना लीजिए ग्रीन पेस्ट का, अलग अलग सब्जियों की पत्तियों का ग्रीन, और उसमें आपको उतना ही तेज गर्म पानी डालना है जिससे कि वो गर्म रहे, जितना आप गर्म पिएंगे आपको इसमें लाभ मिलेगा। जिनको ये प्रॉब्लम है ब्लड आपका पतला होगा, क्योंकि ब्लड इसमें जिनका घाड़ा है उनको तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, जो जैसे 32 या 34 साल की एज से ऊपर हैं ब्लड घाड़ा हो जाता है वो, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो पेस्ट वगैरह बना के पिए बहुत इसमें उनको लाभ मिलेगा। और जो दर्द इसमें आता है इसके लिए आप जो है पूरा नसों का जो ब्लॉकेज है इसके लिए आप दवाई मंगा सकते हैं हमारे से कोरियर के द्वारा, क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। और इसमें जो हम दवाई देते हैं 8-9 महीने का ट्रीटमेंट होता है और कंटिन्यू इसमें दवाई चलती है, और ये जो प्रॉब्लम्स है जो ड्राई नसों की, दिमाग की नसों की जो ड्राई नसें हो जाती हैं वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, और नसों का सिकुड़ना, पेन रहना सर में, पीछे गर्दन में पेन आना, ये सब सिम्टम्स चले जाते हैं, जैसे कि चक्कर आना या आपको रात्रि में झटके लग रहे हैं वो सब आपके रुक जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये ठीक हो जाएगी। और ये जो हम दवाई देते हैं नो साइड इफेक्ट होती है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो आप खान पीन में अपना परहेज करेंगे, बाहर की चीज़ों का सेवन जैसे कि जंक फूड, कोई भी प्रकार का आप जिस पर एमआरपी के साथ एक्सपायरी लिखा हुआ है वो चीज़ आपको नहीं खानी है, उससे आपको बचना है, क्योंकि ये चीज़ें आप खाएंगे तो आपका ब्लड से ही संबंध है सारा, ये जो ब्लड पास नहीं होता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ब्लॉकेज में। और ये ब्लड आपका पतला होगा कब, जब आप खान पीन में बाहर का कोई भी जंक फूड आपको कुछ भी नहीं लेना है, इससे आपको बचना है और आपकी ये परेशानी ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया, देश में ही नहीं विदेशों में भी। हमारे घरेलू इलाज आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।